today's video and welcome to our YouTube channel. Hope you're doing good guys. I'm back with another haul video and आज मैं लेकर आई हूँ आपके request पे winter haul. आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा request की थी कि winter haul आपको देखनी है and कुछ time पहले मैंने community post में डाला था कि आप winter haul कौन से site से देखना चाहते हो. तो maximum लोगों ने Myntra को vote किया. So आज मैं लेकर आई हूँ Myntra के haul जो कि totally आपके request पे है and बहुत लोगों ने मुझे कमेंट पे बोला था कि आपको लॉन्ग स्वेटर्स एंड स्वेटर्स देखने हैं. सो इस हॉल में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी लॉन्ग स्वेटर्स एंड स्वेटर्स, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट हॉल में मैं जैकेट कवर करूंगी. इस हॉल में मैं बस स्वेटर रख रही हूँ एंड वो वीडियो भी आपके ही रिक्वेस्ट पे बनेगी. सो जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट डालू जाकर वहां पे वोट कीजिए. आप जिस भी साइड को वोट करोगे मैं उनका ही हॉल बनाऊंगी, क्योंकि एट द एंड ये रिव्यू मैं आपके लिए कर रही हूँ एंड चीजें आपको ही खरीदनी है. सो प्लीज जाके वोट जरूर करें. एंड आज के हॉल में मैं आपको स्वेटर्स दिखाऊंगी, लॉन्ग स्वेटर्स, शॉर्ट स्वेटर्स, ओपन श्रग काइंड ऑफ स्वेटर्स. एंड आपके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैंने बनाई है गाइस. सो मेरे रिक्वेस्ट पे प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स से एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आज के हॉल में आपको कौन सी स्वेटर अच्छी लगी. नाउ लेट्स क्विकली जंप इन वीडियो गाइस. My first item is this olive and mustard yellow pullover and this has a round neck, full sleeve, curved hem के साथ है. सबसे अच्छी बात मुझे इसकी hem लगी, like V shape की है front पे and back पे, जो कि मुझे सबसे अच्छी लगी. color combination बहुत अच्छी है and इसको मैंने style करा इस belt के साथ. belt का link मैं description box में दे दूंगी, आप एक बार check कर लें. and ये plazo मैंने H&M से ली थी जो करीबन 1.5 साल पुरानी है. and आप चाहे तो same ऐसा कोई plazo black color की कहीं से भी लेके style कर सकते हैं या फिर black jeans के साथ कर सकते हैं. blue jeans पे भी ये बहुत अच्छी लगेगी. and इस पे मेरा साइज स्मॉल है और ये मुझे स्वेटर डिज़ाइन वाइज लुक वाइज बहुत पसंद आई, बट बहुत ज़्यादा सर्दी के लिए बिल्कुल भी नहीं है. लाइक अगर दिल्ली की सर्दी की मैं बात करूँ तो दिल्ली की जो दिसंबर एंड जनवरी की सर्दी होती है उस पे ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है. उसके ऊपर आपको जैकेट वगैरह वेयर करना ही पड़ेगा, बट जहाँ थोड़ी सी सर्दी कम पड़ती है उनके लिए परफेक्ट है. एंड आई रियली लाइक दिस वन. By the sounds I'm breathing in, hold tight, hold tight. Chemicals collide, hold tight, hold tight. My next item is this pink long sweater and this sweater has a boat neck, long sleeve, curved hem and ये बहुत ही beautiful color की sweater है. design बहुत awesome है, fitting बहुत अच्छी है इसकी and नीचे की तरफ जो U shape दी हुई है round वाली वो भी बहुत अच्छी लग रही है. and jeans के साथ ये देखिए simple लग रही है, but at the same time ये बहुत ज़्यादा stylish लग रही है. बहुत comfortable है and आपको ये बहुत warm रखने वाली है. so I highly recommend this one. नेक्स्ट आइटम इज दिस मल्टी कलर्ड फ्रंट ओपन स्वेटर, हैज अ राउंड नेक, लॉन्ग स्लीव, टू पॉकेट्स के साथ है एंड ये बिल्कुल शर्ट की तरह लगती है. लेंथ इसकी बहुत ही गॉर्जियस है, बहुत ऑसम लग रही है एंड आप इसे किसी भी एथनिक वेयर के साथ भी वेयर कर सकते हैं. मैंने इस पर एक स्पेगेटी एंड प्लाजो डाल के आपको दिखाया है. बहुत ही ज़्यादा वार्म है ये पूरा एक स्वेटर, जैसे होता है नॉर्मल वार्म रखने वाला ये बिल्कुल वैसा है. स्टाइलिश है बट ये बहुत ही वार्म रखेगा आपको. लेंथ वगैरह मुझे इसकी पर्सनली बहुत पसंद आई एंड आप चाहे तो इस पर एक वेस्ट बेल्ट लगा के भी वेयर कर सकते हैं. बहुत तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं एंड आई रियली लाइक दिस वन एंड रिकमेंड दिस वन. नेक्स्ट आइटम इज दिस बीच टर्टल नेक स्वेटर, हैज़ अ बोट नेक एंड लॉन्ग स्लीव. इसकी नेक बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत है एंड विंटर्स में इस तरीके का टर्टल नेक वाली जो स्वेटर्स होती है वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगती है. आपको उस पर स्कार्फ लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि समटाइम्स आप स्टाइल के लिए स्कार्फ लगाते हो तो इस पर वो ज़रूरत है ही नहीं. इस पर आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिलेंगे तो वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लें. एंड मुझे ये बीच कलर बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मैंने इसे लिया, क्योंकि आप इसे कोई भी प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकते हैं. तो
क्योंकि ये ओपन नहीं है एंड एज अ टॉप आप इसको विंटर में वेयर कर सकते हैं, तो आपको इस पे प्लाजो ही चेंज करना पड़ेगा, जीन्स चेंज करना पड़ेगा डिफरेंट स्टाइल के लिए. सो इसलिए मैंने ये न्यूड कलर चूज़ किया है एंड ये बहुत ज़्यादा वॉर्म रख रही है आपको एंड ये बहुत स्टाइलिश लग रही है. आप इसे किसी भी कलर में लाइक ब्लैक, रेड ट्राउजर, जीन्स, किसी भी जीन्स और ट्राउजर के साथ स्टाइल कीजिए, ये बहुत स्टाइलिश लगेगी एंड आई रेकमेंड. दिस ऑलिव ग्रीन एंड ब्लैक कलर ब्लॉक फ्रंट ओपन स्वेटर हैज़ अ राउंड नेक एंड लॉन्ग स्लीव, फ्रंट पे टू बटन्स बने हुए हैं एंड डुअल कलर की स्वेटर बहुत ही खूबसूरत लग रही है. टॉप जितनी लेंथ है इसकी. सो मैंने इसे स्टाइल करा है प्लाजो के साथ, आप जीन्स पे वेयर कर सकते हैं. मैं जीन्स पे कंफर्टेबल फील नहीं करती, सो मैंने प्लाजो के साथ स्टाइल किया है एंड ये बहुत ही गॉर्जियस लग रही है प्लाजो के साथ. एंड आप एज अ स्ट्रग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट ओपन है तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है एंड बहुत ही ज़्यादा वार्म रखेगी आपको, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है. सो आई रियली लाइक दिस वन. माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है दिस चारकोल सॉलिड पुलोवर हैज़ अ राउंड नेक एंड लॉन्ग स्लीव, फ्रंट पे टू पॉकेट्स है, कॉम्बिनेशन कलर बहुत अच्छी है इसकी चारकोल एंड वाइट एंड ये बहुत ही सुपर फाइन मटेरियल है. लाइक अगर आप इसे छुओगे तो लगेगा कोई टेडी बेयर आप छू रहे हो, एकदम ब्लैंकेट काइंड ऑफ एकदम सॉफ्ट वाली ये स्वेटर है. थोड़ी लूज़ है मुझे, मैंने इस पर स्मॉल साइज मंगाया है बट ये थोड़ी बैगी काइंड ऑफ स्वेटर ही है. आप इसे एज अ ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें जीन्स पे वेयर करना तो उस पर भी आप वेयर कर सकते हैं. अगर आपको लूज टाइप ऑफ लग रही है, आपको थोड़ी फिटिंग चाहिए, तो डिफाइन करने के लिए आप इस पे एक बेल्ट भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत गॉर्जियस लगेगी. मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा वार्म रखने आप बहुत ज्यादा आपको वार्म रखेगी एंड बहुत ज्यादा कोजी स्वेटर है ये. आई रियली रिकमेंड दिस वन. विंटर वेयर आपको पसंद आई, अगर पसंद आए तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है. सो प्लीज लाइक करना नहीं भूले एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आज के हॉल में आपको कौन सी लुक और कौन सी स्वेटर अच्छी लगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइज.